दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब आप लोग देख पाएंगे कि इधर रिया दुल्हन बनती हुई नजर आ रही है और इधर प्राची दुल्हन बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि आप लोग जानते ही हैं कि कहानी एक वाकई में दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आखिरकार आज रणबीर और प्राची एक दूसरे से अलग और एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बीच में जब सहमति ही बन ही नहीं पाई तो आखिरकार कहानी तो एक नया ट्विस्ट लेगी ही। आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और आखिरकार ऐसा ही क्यों हो रहा है। बात की जाए इस समय की सबसे बड़ी अपडेट मिलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर प्राची एक चीज़ और बोलती हुई नज़र आने वाली है कि हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं रणबीर से। क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीका से खुशी का प्यार बटे, क्योंकि दोस्तों दोनों के दोनों जो शादी कर रहे हैं अलग अलग इसीलिए ताकि खुशी की कस्टडी मिल सके। लेकिन सहाना ने बोल दिया है कि अगर ऐसा हो जाए तुम दोनों के बीच में कि खुशी बटे ही नहीं दोनों के बीच में और तुम दोनों एक दूसरे के साथ में ही फिलहाल शादी के प्लान कर लो तो ये तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं ठीक होगा। लेकिन दोस्तों वहीं रणबीर का सोचना बिल्कुल अलग है, रणबीर का दिमाग बिल्कुल अलग चलता है। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी वाकई में एक ज़ोरदार ट्विस्ट पर आ अटक चुकी है। हालांकि दोस्तों इन लोगों को अभी पता नहीं है कि जो तुम लोग गलती कर रहे हो वो गलती तुम पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि गलती थोड़ी कहीं नहीं बल्कि इस समय इन पर इतनी ज़्यादा भारी पड़ती हुई नज़र आएगी कि इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ इस तरीका का गेम भी जिंदगी तुम्हारे साथ खेलेगी। क्योंकि दोस्तों इस समय जिंदगी जो गेम खेल रही है इन लोगों के साथ में, इन लोगों की बैंड बजा कर रख देगी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी वाकई में एक और नया ट्विस्ट लेकर आ रही है दोस्तों, जिसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं गाइस कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच।